और देखिए, अब रियल्टी सेक्टर की बात कर लेते हैं तो पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट क्षेत्र में आवासीय मकानों की डिमांड जो है वो काफी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो घर खरीदार हैं उनके लिए अब थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन का खर्चा बढ़ गया है जिसके चलते घरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। आसमान छूती बिल्डिंग्स की तरह इनके मटेरियल की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई है। पिछले 1.5 सालों में स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिक और पीवीसी के दाम बढ़ गए हैं और मजदूरों की मजदूरी भी। स्टील की कीमतें 60%, सीमेंट के दाम 28% बढ़ गए हैं। बिजली और पीवीसी के सामान भी 40% महंगे हो गए हैं। मजदूरी भी 30% से ज़्यादा महंगी हो गई है और ऊपर से डीजल के दाम भी परेशान कर रहे हैं। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, स्टील के भाव बढ़ गए, सीमेंट के भाव बढ़ गए, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं हमारे जो कंप्लीशन में। लेकिन फिर भी मेरे अंदाज से ये सब हम सुलझ जाएंगे, लेकिन मैन पावर की बात जो है, स्किल सेटिंग्स, स्किलिंग की बात है, वो हमें ज़्यादा जोर देनी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह निर्माण की लागत बढ़ी है उसकी तुलना में प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। प्रॉपर्टी के दामों में केवल 5 से 25% की ही बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। After the pandemic, the cement, steel and all the building material prices gone up like anything. When you come to steel, it's quite abnormal. Almost 58 to 60% of the price increased past 1.5 years time. So people are telling various reasons about it, but is it really the exact the same reason? The coal shortage they are talking about the right now, but earlier also they increased the price for obvious reasons, steel price. So I think government has to look into this. I think something has to be done. मटेरियल महंगा होने के चलते जहां डेवलपर्स को परेशानियां हो रही हैं, वहीं घर खरीद में बढ़ रही डिमांड उनके लिए राहत की बात है। फिर भी बढ़ती हुई महंगाई आखिरकार लोगों को ही उठानी पड़ेगी। कृतिका अरोड़ा, ईटी नाउ स्वदेश।